देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतु बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर कालाढूंगी से, कांग्रेसियों ने मुख्य बस स्टैंड पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका। आपको बताते चले, नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेसियों ने मुख्य बस स्टैंड पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेसजनों ने कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, रोजाना डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कहा कि बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष वाकिल अहमद, गिरीश भट्ट, विक्रम सामंत, मोहम्मद दानिश, नदीम अहमद, हरीश मेहरा, अर्णव कम्बोज, ताहिर कादरी, सलमान बरसी, हाजी जलील अहमद, मोहम्मद जुनैद कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे कालाढूंगी से, मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। देश आज भारतीय जनता पार्टी के जनहित संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उन सब के विरोध में काम कर रही है, और उसी विरोध में हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। चाहे आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है। जब ये सत्ता में आए थे तब इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई को बिल्कुल कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय आज दुगनी तिगनी और चौगुनी उस स्तर पर पहुँच गई है। 2 करोड़ साल में नौकरी देने वाले ये लोग आज बेरोजगारी चरम पर है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा हमारे दर दर भटक रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है वो किसानों का है। किसान हमारे पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है सड़कों पर टेंट लगा के अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस मोदी सरकार के कान में बिल्कुल भी जू नहीं रह रही है। और इन लोगों को उनकी जो उनको कष्ट है या उनकी जो संभावनाएँ हैं उनके लिए क्या करना है उस पर कहीं भी उन लोगों ने कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। हर बार वो वार्ता करने के लिए जरूर बुलाते हैं और वो हर वार्ता विफल हो रही है। किसान कह रहा है कि मैं हम जो वो बिल लाए हैं हमें वो बिल नहीं चाहिए। और जब बिल ये लाए थे संसद में, जब इन्होंने पेश किया था ना, इन्होंने इसको विपक्ष को अपने भरोसे में लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।